नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज राजस्थान में सीएम मनोहर लाल ने भरी हुंकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री की राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में रैली, पंचायत चुनाव में जुटे सीएम मनोहर लाल। भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का सरकार ने लिया फैसला, दागी अफसरों की सूची संबंधित वेबसाइट पर होगी अपलोड, हरियाणा सरकार का भ्रष्टाचार कर्मचारियों पर करारा प्रहार। हरियाणा में छठ पूजा की तैयारियां, गुरुग्राम में बड़ी संख्या में पूर्वांचली परिवारों में होगा छठ, प्रशासन ने तैयार करवाया स्थायी घाट। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक से बढ़कर एक स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज राजस्थान के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राजस्थान की जनता पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ चुकी है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वहाँ कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के हनुमानगढ़ में भाजपा प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में रोड शो कर जनता से कमल खिलाने की अपील की। बता दें कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान है, मतदान के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, पर देखना ये होगा कि राज्य में अब सत्ता परिवर्तन होगा या फिर प्रदेश में सरकार रिपीट होती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारतीय मंडपम में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वसुदेव कुटुंबकम व्यापार से एकजुटता विषय पर आधारित हरियाणा पवेलियन आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरियाणा पवेलियन में राज्य की परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और उपलब्धियों के साथ साथ आधुनिक तकनीक के सहारे प्रगति के पथ पर अग्रसर प्रदेश को दिखाया गया है। इस पवेलियन में व्यापार और वाणिज्य से लेकर खेल और श्रीमद् भागवत गीता में निहित कर्म के संदेश का समावेश देखने को मिल रहा है। बता दें कि ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा के माध्यम से प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर 2023 तक लगे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बनाए गए हरियाणा पवेलियन में प्रदेश की परंपरा के साथ आधुनिकता के सफर को प्रदर्शित किया गया है। इस बार हरियाणा मंडप को इस अनूठे ढंग से आकार दिया गया है, जहां पर आपको प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा के दर्शन होंगे। वहीं पता चल जाएगा कि प्रदेश किन किन क्षेत्रों में ऊंचाइयां छू रहा है और संस्कृति का आधुनिकता के साथ गठजोड़ करते हुए कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचारी कर्मचारियों पर करारा प्रहार करने का मन बना लिया है। राज्य में भ्रष्टाचार कम करने के लिए सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है। इस फैसले के तहत विभागों, बोर्ड निगमों पर निगरानी के लिए 11 चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। इन ऑफिसरों के हर विभाग पर नजर रहेगी और इसके साथ ही यदि किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही दागी अफसरों की सूची संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इस सूची को सीबीओ द्वारा तैयार किया जाएगा और यह हर वर्ष जनवरी माह में बनाई जाएगी और इन जागी अफसरों की सूची 3 वर्ष तक वेबसाइट पर बनी रहेगी। इसके अलावा विजिलेंस टीम की नजर अधिकारियों के संपत्ति पर भी रहेगी। सीबीओ की ओर से कम 5% कर्मचारियों की प्रतिवर्ष इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिपोर्ट की जाँच की जाएगी। यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत के मामले में हरियाणा सरकार द्वारा एसआईटी गठित करने पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और इनेलो ने कहा है कि पहले के मामले में गठित एसआईटी की रिपोर्टों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए ताकि शराब माफिया के लोगों को सलाखों के पीछे पहुँचाया जा सके। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि एसआईटी बनाकर जांच कराने का ढोंग किया जा रहा है। प्रदेश सरकार जहरीली शराब प्रकरण की तह तक जाना चाहती है तो उसे बिना देरी किए लगातार हुई मौतों की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस से करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2020 में सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद में 40 से अधिक लोगों की जहरीली शराब के कारण जान चली गई थी। उस समय भी जाँच के नाम पर इसी तरह से एसआईटी बनाने का स्वांग रचा गया। विपक्ष ने इस मामले में
मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। कल से शुरू हो रही छठ पूजा की हरियाणा में खूब तैयारियां हो रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम से पूर्वांचल के रहने वाले छठ महापर्व की तैयारियां कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल 17 नवंबर को हो रही है। इस पर्व को मनाने के लिए पिछले कई दिनों से पूर्वांचल की संस्थाएं तैयारियों में जुटी हुई हैं। स्थानीय लोग और जिला प्रशासन भी इस त्योहार को लेकर सहयोग कर रहे हैं। त्योहार के लिए जगह जगह स्थायी घाट भी बनाए गए हैं। इस बार छठ पूजा समितियों द्वारा पिछले साल के मुकाबले और भी बेहतर तैयारियां की गई हैं। छठ पर्व को लेकर समितियों ने घाटों पर विशेष प्रबंध किए हैं। शुक्रवार को पहले दिन यानी कि 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ यह पर्व शुरू होगा। हालांकि नहाए खाए की प्रक्रिया श्रद्धालुओं द्वारा घर पर ही की जाएगी। दूसरे दिन 18 नवंबर को खरना, 19 नवंबर को श्रद्धालु सायकालीन और 20 नवंबर को प्रातःकालीन सूर्य देव को अर्घ देंगे। दिवाली का त्योहार बीत जाने के बावजूद प्रदेश के 11 शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। इन शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि बाकी शहर मध्यम श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आज गुरुवार से प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि शहरों में दिवाली पर हुई आतिशबाजी और यातायात की बड़ी गतिविधियों की वजह से प्रदूषण बढ़ा हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुग्राम राज्य का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है। गुरुग्राम का AQI 386, फरीदाबाद का AQI 384, धारूहेड़ा का 375, हिसार का 357, रोहतक का 342, कैथल का 310, नारनौल का 335, मानेसर का 321 और कैथल का 310 दर्ज किया गया है। पिछले दिनों हुई बारिश से इन शहरों को थोड़ी राहत मिली थी, मगर दिवाली की रात हुई आतिशबाजी से इन शहरों का प्रदूषण फिर से लौट आया है। दिवाली की रात हरियाणा में पराली जलाने का आंकड़ा 100 के पार कर गया था। हरियाणा के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले अब कम हो गए हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और कम हो सकती है। पानीपत जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार कैंटर ने ओवरटेक करने के चक्कर में रेरकला निवासी पवन नाम के एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कैंटर पवन को करीब 50 मीटर तक घसीटता चला गया। सड़क हादसे में पवन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पवन के पीछे ही बाइक पर आ रहे उसी के गांव के दीपक नाम के युवक ने हादसे के वक्त एम्बुलेंस और पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पवन के शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कैंटर चालक हादसे को अंजाम देकर कैंटर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मृतक पवन का पोस्टमार्टम करवा रही है और परिजनों के बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। मौके से कैंटर को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा किया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद शहर के रतिया रोड पर FCI गोदाम के सामने टोहाना से फतेहाबाद आ रही सवारियों से भरी निजी बस में आग लग गई। आग लगते ही सवारियों में हड़कंप मच गया। बस पूरी तरह से भरी होने के कारण आनंद फानन में उतरी सवारियों का सामान बस में ही रह गया और वह जलकर राख हो गया। कई सवारियां ऐसी भी थी जो कि नर्मा चुगाई करके आ रही थी और बिहार जाना था और नकदी बैग में थी। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। करीब 20 मिनट आग बुझाने में लग गए। वही दमकल विभाग के कर्मचारी ने बताया कि बस में अगर आग बुझाने का यंत्र होता तो आग पर काबू पाया जा सकता था। पंचकुला के गांव रैली में युवकों द्वारा गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। पंचकुला के सेक्टर 12 के गांव रैली में दिवाली के अगले दिन जमकर हंगामा हुआ। ये सारा मंजर CCTV में कैद हो गया। वीडियो में दर्जनों युवक तलवार, ईंट और पत्थर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने घर के बाहर खड़े बुलेट, मोटरसाइकिल और घरों की तोड़फोड़ की। हालांकि इस वीडियो को देख लोग सहमे हुए हैं, पर अब देखना ये होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाएगी। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम TV।